लेक्चर नंबर टू क्लास फोर एंड आवर टॉपिक इज फॉरेस्ट एंड मिनरल्स ओके फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कैन बी क्लासीफाइड इंटू फाइव ब्रॉडर ग्रुप्स पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट है वो फाइव ब्रॉडर ग्रुप्स में क्लासीफाइड किए हैं अल्पाइन फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट सब टॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्पाइन फॉरेस्ट को स्टडी किया था नो टू डे

और ट्री विच बियर कॉर्स एंड नीडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स डेट आर टिपिकली एवरग्रीन क्योंकि इनके नीडल लाइक -like और स्केल लाइक लीव्स होते हैं ठीक है इनके जो लीव्स हैं वो दूसरी ट्री से अलहदा डिफरेंट टाइप के होते हैं ये देखिए नीडल सुई की तरह के जैसे कांटे होते हैं इस तरह इनके लीव्स इस तरह के होते हैं इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कॉनिफर्स इन द नॉर्थन माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर और ये कहाँ पे पाए जाते हैं नार्थन माउंटेन रीजन पाकिस्तान के नार्थन माउंटेन रीजन् में और कश्मीर में इकनॉमिकली कॉनीफर्स फॉरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट एस जी आर पाकिस्तान मेजर सोर्स ऑफ कोमेरिकल वुड कह रहे हैं माशी लिहाज से जो कॉनीफर जंगलात हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है पाकिस्तान में क्योंकि हम इनसे क्या लकड़ी हासिल करते हैं और ये एक मेजर सोर्स है पाकिस्तान में सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट द सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आर इन अटक रावलपिंडी इस्लामाबाद जेहलम एंड गुजरात डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब एंड इन द मंदहरा अबाबाद मर्दान पिशावर एंड कोहाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ खैबर पखतूखा अप टू हाइट ऑफ वन थाउजेंड मील जो सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है ये कहाँ पर पाए जाते हैं अटक रावल इस्लामाबाद जेहलम गुजरात डिस्ट्रिक्ट पंजाब मानसहरा मर्दान पशावर गुहाट डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तुखा और इनकी हाइट कितनी होती है इनकी लंबाई कितनी होती है वन थाउजेंट था। माइल ओके इन बलोचिस्तान दे, दे आर कंफाइंड टू तो द सुलेमान माउंटेंस एंड अदर हाईली एरियाज और, और बलोचिस्तान में ये कहाँ पाए जाते हैं सुलेमान माउंटेंस में और दूसरे हाईली इलाके में ठीक है दूसरे पहाड़ी इलाकों में और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ ये वहाँ पे पाए जाते हैं राइट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन पंजाब प्लेन्स ये पंजाब के हमदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं बट आल्सो आक्योपाइज एरियाज इन साउथर्न सिंध एंड वेस्टर्न बलोचिस्तान लेकिन इसके अलावा ये साउथर्न सिंध और वेस्टर्न बलोचिस्तान के एरियाज़ में भी पाए जाते हैं दे आर मेनली यूज फॉर ग्रेजिंग परपज़ वाटर शेडिंग एंड फ्यूलिंग इसका मेनली यूज़ क्या है जो मेन यूज है ये ग्रेजिंग क्वास्चर ने के और वाटर शेडिंग पानी भरने और फ्यूलिंग के लिए ये यूज होते हैं ओके क्लास ओपन यूर वर्क बुक पेज नंबर ट्वेंटी थ्री ओके क्वेश्चन नंबर ए चूज द करेक्ट आंसर आपने क्या कनेक्ट करेक्ट आंसर को चूज करने ओके क्वेश्चन नंबर वन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स फॉरेस्ट फॉरेस्ट शुड कवर डैश ऑफ द टोटल एरिया कंट्री कहना एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंगलात ने कितना एरिया कवर किया हुआ है टेन टू फिफ्टी परसेंट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट तो जंगलात ने कितना एरिया कवर किया हुआ है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ओके क्वेश्चन नंबर ए पार्ट टू डोफर ट्रीज ऑफ सिल्वर फे एंड जूनिपर ग्रो इन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट जो स्नोबर के दरख्त है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या टेम्परेट फॉरेस्ट में या अल्पाइन फॉरेस्ट में अल्पाइन फॉरेस्ट में डोफर ट्रीज ऑफ सिल्वर फीर एंड जूनिपर ग्रो इन अल्पाइन फॉरेस्ट ओके क्वेश्चन नंबर ए पार्ट थ्री मिनिरल्स आर डैश सब्सटेंस मिनिरल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या मेटल्स है मिनिरल्स आर सब्सटेंस ओके क्वेश्चन नंबर ए पार्ट फोर डैश इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सीमेंट और फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में क्या यूज होता है कॉपर जिप्सम या सिल्वर जिप्सम जिप्सम इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स क्वेश्चन नंबर बी मैच कॉलम ए विद कॉलम बी हमने कॉलम ए के कॉलम्स को मैच करना है कॉलम बी से ओके फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री ये हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन में कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री ओके ड्राई ट्रॉपिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर यूज जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये कहाँ पे यूज होते हैं फॉर ग्रेजिंग पर्पज एंड फ्यूलिंग ओके गाजराने में और फ्यूलिंग में भी ये यूज होते हैं अल्पाइन ट्रीज आर फाउंड अल्पाइन ट्रीज आर फाउंड एट वेरी हाई एलिवेशन ओके टेम्परेड फॉरेस्ट है फॉरेस्ट हैव माइल्ड टेम्परेचर इनका टेम्परेचर क्या होता है माइल्ड ओके सॉल्ट इज यूज इन साल्ट इज यूज इन फूड एंड मेडिसन का आप लोगों ने क्या कहना है रीड बुक पेज नंबर थर्टी फोर प्लस टू वर्क बुक पेज ट्वेंटी थ्री